अफगानिस्तान से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है वह किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफ़ी है, लेकिन उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जो अफगानिस्तान के हैं लेकिन कामकाज के सिलसिले में बाहर के देशों में जाकर रह रहे हैं। जयपुर में भी कुछ लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो अफगानिस्तान मूल के हैं, वहीं पर से ही यहाँ बिज़नेस के लिए आए हैं, शॉर्ट टर्म वीज़ा पे बिज़नेस के लिए आए हैं, लेकिन अब वहाँ के हालात को लेकर इन सबके चेहरे पर कुछ इस तरह से शिकन है कि अपने परिवार की सुरक्षा के साथ साथ ये लोग अपने और अपने देश के भविष्य की चिंता को भी अपने दिलो दिमाग में सहेजे हुए। मैं इनसे पूछता हूँ कि ये क्या सोचते हैं उस तरह के हालात में, किस तरह की नई सरकार की उम्मीद ये लोग कर रहे हैं और भारत सरकार से अब ये लोग क्या चाहते हैं। सर मैं पहले शुरुआत आपसे करूँगा, सर आपका नाम बताइएगा और आप कहाँ से हैं। जी मोहम्मद जहीर नाम है मेरा और काबुल से हूँ। जहीर साहब हम भी तस्वीर देख रहे हैं अफगानिस्तान से जो आ रही है, सबसे पहले आपके दिलो दिमाग में क्या आ रहा है उन तस्वीरों को देख के, क्योंकि आप तो खुद वहाँ के रहने वाले हैं। तस्वीरें देख के तो हर कोई किसी कंट्री का भी हो तो डर ही जाते हैं कि ये क्या हो गया है। तो फिलहाल तो बिल्कुल उधर रहने का कोई वो नहीं है कि आदमी आराम से रह सकते, फैसिलिटी वो कर सके, क्योंकि जिस इमेज से वो आए हैं ना, तो पुराना इमेज तो पूरे दुनिया को मालूम था, तो लोगों में एक किस्म के खौफ हिरास फैला हुआ है। गवर्नमेंट तो चला गया, तो अभी ये कुछ लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं हम सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन ये कब तक होगा क्या होगा अभी फ़िलहाल कुछ पता नहीं है। हम भी इधर बहुत परेशान हैं अपनी फैमिली को लेके, अपने कंट्री के लोगों को देख के। कल ही आपने देखा परसों के एयरपोर्ट में क्या हाल हुआ, सब लोग भागना चाहते हैं, कंट्री को छोड़ना चाहते हैं। ये क्यों छोड़ना चाहते हैं ये एक सवाल है, क्यों? वो भी तो कहते हैं हम इंसान हैं आपको रखें, लेकिन क्यों लोग भागना चाहते हैं? क्योंकि इसका बैकग्राउंड पिछले वाला बैकग्राउंड से लोग डरे हुए हैं, लोगों को देखते ही उसी टाइम सजा देते हैं। कानून होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, एक लॉ होना चाहिए, ये फिलहाल कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो लोग जो आए हुए हैं तो वो अपना नाम नहीं लिख सकते खुद, तो एक गवर्नमेंट को कैसे चलाएंगे? तो ये एम्बेसी, दुनिया के सारे एम्बेसी चले जा रहे हैं अफगानिस्तान से, अकेले छोड़ रहे हैं अफगानिस्तान को, तो ये कैसे चलेगा? ये सब प्रॉब्लम है, टेंशन है हमको। तो अभी हम इधर काम कर रहे हैं 5 साल से, तो ये इंडिया सरकार से सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट है हमारी, अगर जैसे हम वीज़े के थ्रू आते हैं इधर बिजनेस करते हैं, हमारा टाइम जैसे ही पूरा हो जाए हमको जाना होता है, तो जैसे अगर हम रहना चाहें हमारे लिए वीज़े की सहूलत फराम करें कि हमारा वीज़ा बढ़ाने की, कि हम रह सके, काम कर सकते। काम तो फिलहाल नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम है, टेंशन है, तो अभी ये सोच रहा है कि जो हमारा फैमिली उधर है उसके लिए एक सिस्टम बनाए कि उनको हम इधर ले आ सकते हैं कुछ वक्त के लिए, जैसे हमारी कंट्री ठीक हो जाए हम उधर चले जाएंगे। अगर हमको इंडियन सरकार इधर कबूल ना करें रखने के लिए, अफगानिस्तान फिलहाल हम नहीं जा सकेंगे, फिर हम एक तीसरे कंट्री के लिए एक ऑप्शन यूज़ करेंगे, कोशिश करेंगे कोई दूसरा तो एक्सेप्ट कर लेगा हमको, क्योंकि इस तरह तो नहीं चलेगा। तो अभी फिलहाल यही रिक्वेस्ट है इंडियन सरकार से कि हमारे साथ कोई नरमी से वो करे, हमारे वीज़े बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और जब तक हम रहना चाहें हमें इजाज़त दे दे रहने के लिए। आप भी यहाँ बिज़नेस करने आए हैं जयपुर से और अक्सर आते भी रहते हैं, परिवार के लोगों दोस्तों से बातचीत हुई इन हालातों के बाद? जी मैं अब्दुल शबीर हूँ, मैं अफ़गानिस्तान में कंधार से हूँ। सबसे पहले कंधार में हालात मतलब ख़राब हो गए काबुल से पहले, मैं वहीं पे था, कंधार में था, आज से तकरीबन 25 दिन इस तरह के दिन आसपास पहले कंधार में था मैं। उस वक्त कंधार के मतलब ये जो राउंड्स मतलब जब कंधार के शहर में एंट्री आपकी होती है, उस गेटों तक जंग आ पहुँचाता, मगर जब मैं यहाँ पे आया हालात सब कुछ ख़त्म हो गए। जब पता चला फैमिली से पहले तो मेरे को बहुत टेंशन रहती थी, क्योंकि शाम के 6 बजे के बाद मेरे फैमिली के साथ कांटेक्ट ना होता था। मेरे घर में मेरी एक बीवी है, 3 बच्चे, तो बहुत टेंशन रहता था, तो दिमाग भी काम नहीं करता था कि आप क्या करें, फैमिली की बहुत टेंशन रहती थी। कल रात को भी बहुत ज़्यादा आप परेशान थे? हाँ मैं कल रात से बहुत परेशान हूँ, ये जो अफवाह फैल रही है मीडिया में, मेरे कुछ दोस्त हैं उनके साथ मेरी बातचीत हो रही है,
कि हम कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं मगर कह नहीं सकते क्योंकि हमारी फैमिली उधर है। इनका हम दिल में बहुत कुछ है कहने के लिए मगर कह नहीं सकते क्योंकि फैमिली उधर है। तो हमें भारत सरकार से यह अपील है कि हमारे साथ हेल्प करे, हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट करे, क्योंकि ये जो इमरजेंसी हालत है अभी कंट्री में, लोग उनको मतलब उनके ऊपर वो नहीं कर सकते कि आप मतलब इनकी पहले भी सरकार हो चुकी है, तो खुसूसन कंधार में अभी मतलब थोड़े बहुत हालात बिल्कुल भी सही नहीं है। ज़िंदगी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसे एक तरह का पिंजरा है। अब पिंजरे में कौन रहना पसंद करेगा, हर किसी को अपना मुल्क प्यारा होता है। तो मेरे अक्सर वक्त अपने बच्चों के साथ सुबह 8 बजे के बाद फिर फ़ोन को मतलब सिग्नल मिल जाता था, मतलब मैं अपनी फैमिली 8 बजे से 4 बजे तक। अब ये 8 घंटों के बाद मेरी फैमिली के साथ जो भी होगा मुझे वो पता नहीं चलेगा, मैं क्या करूँ। फिर टेंशन रहती है, मतलब मैं यहाँ पे बिज़नेस के लिए आता हूँ, मेरे मैं बिज़नेस नहीं कर पा रहा क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा, टेंशन में हूँ, तो बहुत सारे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। ज़िंदगी किस तरह से, शायद ये हकीकत बता रहे हैं। सर एक सवाल आपसे भी, आप कहाँ से हैं? मैं काबुल से, अफगानिस्तान से। जिस तरह के हालात हैं, परेशानी आप सबके चेहरे पर दिखाई दे रही है, कुछ राहत मिलती भी नज़र आ रही है आपको? यार फिलहाल नहीं, जब भी घर बात करता हूँ वही टेंशन ही टेंशन होता है। अभी भी घर में बात किया, क्या प्रॉब्लम है, बोलते हैं वाला बाहर जाना थोड़ा सा फिलहाल मुश्किल है, बाहर नहीं जा सकते, पापा काम पे नहीं जा सकते, वो लोगों को बोला है फिलहाल काम पे मत आओ, जब हम बुलाएंगे तब तुम आना। तो उसकी वजह से टेंशन टेंशन ही रहता है। हम इधर रहते हैं, काम नहीं कर सकते, अभी वीज़ा ख़त्म हो जाएगा उसका टेंशन है, वहाँ पे फैमिली रहता है उसका टेंशन है। तो हम खुद सोचते हैं क्या हो जाएगा, लेकिन हमको गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि अगर हमारे को कोई वीज़ा ख़त्म होता है हेल्प करने या फैमिली को बुलाने के लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो हम इंडियन गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि हमको हेल्प कर दो, क्या हम अपना फैमिली को बुलाएं यहाँ पे, या हमको जब हमारा वीज़ा ख़त्म हो जाए हमको यहाँ पे रहने के लिए मदद करें, वीज़े के लिए, जब तक हमारा देश का हालत ठीक ना होता हम यहाँ पर रह जाएंगे। आप कहाँ से हैं? जी मैं भी काबुल से हूँ, काबुल में रहता हूँ, तकरीबन 10-12 साल से इंडिया आता जाता हूँ, बिज़नेस करता हूँ। तो अभी ये जो चेंज हुआ है हमारे कंट्री में, हम बहुत टेंशन में हैं, ना रात को नींद है ना दिन को चैन है। अभी जो 11 बजे उठ गए रात को, टैबलेट यूज़ किया नींद के लिए। लेकिन ये जो प्रोसेस चल रहा है गवर्नमेंट को हैंड ओवर तालिबान वाले ले रहे हैं, आपको लगता है कब अगले कुछ वक्त में सुकून मिलेगा, फिर से आपकी कंट्री डेवलप करेगी, इस तरह का कुछ लग रहा है आपको कहीं से? ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब कोई टेररिस्ट ग्रुप हो गवर्नमेंट को संभाल सकेगा वो तो चेंज नहीं होगा ना, इम्पॉसिबल। अगर दुनिया ये सोच रहा है कि टेररिस्ट ग्रुप चेंज हो जाएगा, इम्पॉसिबल, हाउ दे चेंज, ये कोई इम्कान नहीं है इसका, उसके चेंज होने का। जो पिछले बार इन लोगों का रिजीम था वही चलेगा। अब भी लूट मार जा रही है लोगों को, उसके घर से निकाल कर उसको मार रहे हैं, सब मीडिया को पता है। तो एम्पॉसिबल, वो लोग चेंज नहीं हो रहा है। आप लोगों को बुलाया जा रहा है वापस का, आइए एक और मौका, एक बार फिर से ट्राई करते हैं हम लोग नई लाइफ को स्टार्ट करने। तो कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? ऑलरेडी जो हमारे फ्रेंड्स वहाँ है जो बातें कर रहे हैं ना, वो जो हम सुन रहे हैं इम्पॉसिबल है, हम तो वापस जाना ही नहीं चाहते। अभी इस हालात में कैसे जाए हम, इम्पॉसिबल, हम वापस नहीं जाएंगे। जो ब्लैक डैब अफगानिस्तान में अगर ऐसा है तो वर्ल्ड क्यों भाग रहा है, सारे एम्बेसीज क्यों भाग रहे हैं, अमेरिका जो वर्ल्ड पावर है वो क्यों भाग रहा है, अफगानिस्तान को अकेला छोड़ के वो लोग समझते हैं। फॉरेनर हमसे बहुत ज़्यादा होशियार है, वो समझते हैं कि हमारा पॉलिसी क्या है तालिबान को। अभी मीडिया से जो ये बात कर रहे हैं वो 1% भी उसका ट्रस्टेबल नहीं है, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। और वर्ल्ड, आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो? नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता है। आप तो यंग हैं, बिजनेस के लिए आते जाते हैं, फ्यूचर नज़र आ रहा है आप नए गवर्नमेंट के साथ या? नहीं, मेरा बिजनेस नहीं है, मैं स्टूडेंट हूँ, एक साल से हो गए कि जरा गया। और किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? बीबीए का। और आपका को पता है कि सिचुएशन अफगानिस्तान का सिचुएशन बहुत ख़राब है, हमारा साथ ज़्यादा अफगानी स्टूडेंट है जयपुर का,
वो लॉकडाउन पे चले गया, उसमें बाद दोबारा नहीं आ गया। नहीं, कल रात को फ़ोन कर लिया कि यार हमारा पढ़ाई क्या हुआ, थर्ड सेमेस्टर है, इसमें क्या करें। मालूम मुझे पता नहीं, MBC को बंद है, इंडिया MBC लॉक हो गया अफगानिस्तान पे, और फैमिली का टेंशन बहुत ज़्यादा है। क्या चाहेंगे सर, क्योंकि जो हो रहा है वो शायद आपको भी अच्छा नहीं लग रहा, आप सबके चेहरे भी बता रहे हैं, चाहेंगे क्या आप लोग? क्योंकि नई सरकार है यहाँ पर, आप दूसरी कंट्री में मतलब हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ की सरकार से भी काफ़ी उम्मीदें आपको? बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं सरकार से, क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान से हमारा पुराना रिश्ता है और दोस्ती का रिश्ता है, इन्होंने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा है और नहीं छोड़ेगा। इसलिए हम विनती करते हैं हिंदुस्तान की सरकार से कि जब तक हम यहाँ पर रहते हैं और जब तक ये माहौल सही नहीं होता है, हमें अकेले मत छोड़ो और हमारा साथ दो। और रही बात वीज़े की, तो मेरा जो है 1 महीने का वीज़ा रह गया है अभी। अगर आप तो जानते हो कि वहाँ पर हालात सही नहीं होता है, नहीं होगा। देखो, मैं एक जवान हूँ, मैंने 1 साल हो गया कारोबार को शुरू करते हुए, मेरा क्या हक नहीं बनता है कि मैं जीऊँ? और ये स्टूडेंट है, इसका हक नहीं बनता है कि ये जिए? हम सब भी इंसान हैं, आखिर कब तक ये चलेगा? और पता नहीं, जब ये फ़ोन आता है मुझे घर से, तो ये सोच के डरता हूँ, यार ये उठाऊँ तो कैसे उठाऊँ? कहीं मेरे अब्बू को कुछ नहीं हुआ होगा, मेरे बहन को, मेरे भाई को, मेरे अम्मी को, ये चिंता रहती है हमें कि हाँ यार कैसे उनको यहाँ पर शिफ्ट करें, और अगर होता है तो कैसे हो, कब कब क्या होगा, ये किसी को मालूम नहीं है। अकेला मत छोड़िए जब तक हालात नहीं सुधर जाते, ये इनका कहना है। सर आप कहाँ से हैं? मेरा नाम मोहम्मद अदीब है, काबुल से। काबुल से? हाँ। क्या जाना चाहेंगे इस वक्त, क्योंकि आपको बुलाया जा रहा है कि इमीडिएटली आ जाइए, आपका देश है, हम नई सरकार मिलकर बना रहे हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही, क्या तत्काल इमीडिएटली आप जाना चाहेंगे वहाँ पर जिस तरह के हालात बहुत ख़राब है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, उस हर दिन हालात ख़राब हो गया ज़्यादा, एयरपोर्ट बंद हो गया, सब प्रॉब्लम है। मेरा फैमिली यहाँ, मैं इधर भी हूँ, वो फैमिली मेरा बहुत टेंशन है, वो बोल दिया कि हालात बहुत ख़राब है। फैमिली वालों से बातचीत अगर होती है आप? हाँ, मैं रात को मैं बात किया, वो बोल दिया हालात बहुत ख़राब है, वो टेंशन ज़्यादा है यहाँ। ऐसे ये सभी वो लोग हैं सर, आप भी हैं, आप कहाँ से हैं सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मैं तो काबुल से हूँ। आपकी आंखें लाल है, मतलब आप भी टेंशन में बहुत, जिस तरह की सिचुएशन वहाँ पर है। बहुत ज़्यादा टेंशन अभी पर है ना, क्योंकि घर का टेंशन है, परिवार का टेंशन भी तो है, अपना टेंशन भी है, तो अपना बिजनेस का टेंशन भी है कि क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, अपने परिवार का क्या हो जाएगा, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल का क्या हो जाएगा, तो ये सब टेंशन भी है, और रात दिन सुबह ये टेंशन भी है। टेंशन है, मैं एक सवाल आपसे, आप दोनों से एक एक पूछूंगा। ये देखो, पहले ये देखो, ये हालात है, ये लाइफ चल रहा है, देखो हर घर के पीछे जा रहा है, कैसे बंदों को उसके साथ, लोगों के साथ कैसे बिहेव, देखो कैसे बिहेव कर रहा है, ये हर घर के पीछे ये हाल है, ये हालात है। तो आप लोग लगातार इस तरह से सिचुएशन को मॉनिटर भी कर रहे हैं वहाँ जो कुछ चल रहा है? जी 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 जी, सब फेसबुक आ रहा है, हम देखते हैं, ये हमारे घर के करीब का मामला है, देखो कैसे अंदर घर घुस जाता है और बच्चे को तंग कर रहे है। और अभी ये लोग ये कह रहे हैं जिस घर में 14 साल से ऊपर लड़के हैं उनका अपने साथ ज़बरदस्ती लेके जा रहा है, तो हम कैसे जिए यहाँ पे, कैसे? ये सिचुएशन इन्होंने बताई है, दरअसल ये सभी व्यापार करने यहाँ आए हैं, शांति से लगातार व्यापार करके अपने देश में जा रहे थे, यहाँ से रॉ मटेरियल भी ले जा रहे थे, लेकिन अब जिस तरह के हालात हैं शायद ये भी वापस अपने मुल्क नहीं जाना चाहते, इतना ज़रूर चाहते हैं कि इनके परिवार वहाँ सुरक्षित रहे या उन्हें सुरक्षित तरीके से यहाँ लाने की कम से कम इन्हें कुछ वक्त के लिए इजाज़त मिल जाए, और इसी को लेकर ये कोशिश में भी लगे हुए हैं। सर एक सवाल, आखिरी सवाल बताइएगा,
हालात सुधरेंगे आपके कंट्री के जिस तरह से नई हम जिस तरह से सिचुएशन देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि कुछ दो चार पाँच महीने बाद स्थिति थोड़ी नॉर्मल होगी या अभी और बिगड़ेगी? 99% उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस तरह लोग अभी बैठे हैं उसके ये तालिबान के सरकार में, अभी दो महीने पहले उसको चौकीदार की हैसियत हासिल था, कोई उसमें काम कर रहा था सिर्फ, अभी वो एक थाने का इंचार्ज बना हुआ है, अपना नाम नहीं लिख सकता, तो हम कैसे उम्मीद रखेंगे इसकी गवर्नमेंट से? तो हमको तो कुछ भी उम्मीद नज़र नहीं आ रहा अपने गवर्नमेंट कुछ भी। काबुल में कई रिपोर्टर्स को उसके घर से निकाल दिया गया है और ये भी उसके घर से लापता है तीन दिन से। तो इस तरह से लगातार ये अपडेट अपने देश की ले रहे हैं, बरही या जयपुर में, हिंदुस्तान में, लेकिन अब इनकी मुश्किलें लगातार बरकरार है और ये चाहते हैं कि इस मुश्किल के वक्त में कोई भी इन्हें अकेला ना छोड़े। कम से कम सहानुभूति के दो शब्द यदि इन्हें इस वक्त मिल जाएं तो शायद सबसे ज़्यादा तसल्ली देने वाले शब्द इनके लिए ही होंगे। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।